मना रहे हैं। 29 जुलाई सन 2017 और शनिवार का दिन है और पुनः संपूर्ण राष्ट्र निवेदन कि श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव का अद्भुत तीर्थ स्थान है शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी। संपूर्ण जीवन की साधना स्थली है दाती महाराज की, जहाँ दर्शन करने मात्र से जीवन के संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलता है। संपूर्ण राष्ट्र दिल्ली और NCR के सभी लोगों से कहता हूँ कि पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में और करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण जीवन कष्टों से मुक्त होगा। अद्भुत है प्रभु का ये स्थान। और लगभग 29-30 वर्षों तक मैंने जिन बीज मंत्रों की साधना अपने गुरुदेव की कृपा से करी, उन्हीं बीज मंत्रों से अभिमंत्र वो भस्म वो जल और प्रसाद हर शनिवार को श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में आपको प्राप्त होगा, जिससे मिटेंगे आपके कष्ट और होगा आपकी परेशानी का निवारण। अद्भुत साधना का अवसर मिला था मुझे और उन्हीं साधना में जिन बीज मंत्रों की मैंने साधना की, उन्हीं से अभिमंत्र जल आपको वहां प्राप्त होगा। शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी दिल्ली की कुतुब मीनार जो मेट्रो स्टेशन है, या फिर छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 या 4.5 किलोमीटर आगे 16 और फतेहपुर बेरी की पावन पवित्र भूमि में है ये तीर्थ स्थान। और दाती महाराज आपको आमंत्रित कर रहे हैं प्रभु के दरबार में, पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में और करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे। मेरे कुछ मित्रों ने मुझसे कहा कि दाती महाराज हमारे दाम्पत्य जीवन में हमेशा झगड़ा रहता है, हमारे संबंधों में निरसता आ गई है, क्या करें। पति और पत्नी दोनों ही बुधवार के दिन राहु काल के दौरान देसी घी का दीपक जलाकर दुर्गा नवरान मंत्र की 9 माला जाप करें, तत्पश्चात साबुदाने की खीर बनाकर उसमें मिश्री डालकर निर्धन गरीब कन्याओं को अपने हाथ से खिलाए, किसी भी मंदिर में चंपा और मोगरे का इत्र दान में करें और सोने वाले कमरे में ईशान कोण में चंपा या मोगरे का इत्र रखना भी बड़ा शुभ माना गया। ये प्रयोग आपकी दाम्पत्य जीवन में संपूर्ण क्लेश खटपट को प्रेम में बदल देगा, आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा, करके देखिएगा भाई। नमो नारायण। बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह। 29 जुलाई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामना। 29 जुलाई आपकी शादी की सालगिरह और जीवन में कोई परेशानी है तो हर शुक्रवार को श्रद्धानुसार दही कंजकों को अपने हाथ में दान में दीजिए, साल भर ये करिएगा, आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और 29 जुलाई आपका जन्मदिन है और निजगत कर्मों की वजह से आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ग्रह कलह से छुटकारा नहीं मिल रहा है, कारोबार में धोखा मिला या अनावश्यक भय भ्रम और भ्रांति रहती हो, तो लगातार 186 दिन भगवान शिव के आगे, भगवान शिव की प्रतिमा के आगे, भगवान शिव के श्रीविग्रह के आगे गाय के घी का दीपक जलाइए, वहीं बैठकर ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम शम विरूपाक्षाय नमः इस मंत्र की 1 माला जाप करें। श्रद्धानुसार दूध किसी स्वाघन स्त्री को जरूर दान में दीजिए। हर रोज पूजा के बाद कुमकुम केसर और हल्दी का तिलक महादेव को करिएगा, थोड़ा सा केसर का तिलक अपने भाल पे भी लगाइएगा, जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। और अब मैं आपको ले चलता हूँ ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में, क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, आपके लिए बात करूंगा शनिवार के राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि गोचर की बात कर रहा हूँ। सितारे ये कह रहे हैं कि समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, लेन देन के मसले हल होंगे, कारोबार में सफलता मिलेगी, अपनों का पूर्ण साथ मिलेगा, लेकिन संतान की शिक्षा को लेकर थोड़ा सा चिंता नजर आ रही, प्रयास करना पड़ेगा। गोचर ये भी कह रहा है कि दैनिक दिनचर्या को नियमित रखना बहुत जरूरी है और विशेष रूप से खान पान पर ध्यान दें, वरना पेट संबंधी परेशानी की समस्या नजर आ रही है। आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपने पैर पसारेंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, यानी खर्चों पर थोड़ा सा काबू रखना, क्या करें अपनी मेहनत पर भरोसा करें, क्या ना करें महत्वपूर्ण कार्य में किसी अनजान व्यक्ति को भागीदार ना बनाए। नमनन। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों गोचर की बात कर रहा हूं भाई, और गोचर यह कह रहा है कि आज का दिन बड़ा सावधानी का है, संतुलित रहने का है,
क्योंकि जिस तरह की घड़ी युगायुग है, आज जमीन जायदाद की खरीद और फरोख्त में सावधानी बरतना बहुत जरूरी, धोखा हो सकता है। व्यर्थ के विवादों से बचना बहुत जरूरी है, धनहानि का योग है। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता नजर आ रही है और मान सम्मान की भी चिंता है। सुबह से लेकर शाम तक वृषभ राशि वालों, गोचर यही संकेत दे रहा है, लेकिन आप क्यों भयभीत है? जदुदाती महाराज आपके साथ में छोटा सा उपाय, और ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। श्रद्धानुसार धुली रहर की दाल सफेद कपड़े में बांधकर किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में दीजिएगा, कष्ट कम आएंगे। क्या करें? वाणी और व्यवहार की अनुकूलता को बनाए रखें। क्या ना करें? आज के दिन व्यवसायिक या मशीनरी आदि की खरीदारी में पूंजी निवेश न करें। नमन निर्बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, समय अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, गोचर का संकेत कि रुका हुआ धन प्राप्त होगा। मित्रों और भाई बंधुओं का सहयोग मनोनुकूल रहेगा। देश विदेश से व्यवसायिक संबंध सुधरेंगे और सुख के साधनों में वृद्धि होगी। क्या करें? सामाजिक और मांगलिक कार्यों को परिवार के लोगों का साथ देना आपका कर्तव्य और आपका धर्म बनता है और आपके लिए भी उचित रहेगा, इसलिए सामाजिक और मांगलिक कार्य में सम्मिलित होइए। क्या ना करें? कार्य आदि के लिए किसी के साथ धोखा ना करें। नमोनारायण। मेष वृषभ मिथुन की बात करें, कारक सिंह कन्या की बात करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले शनिवार का राहुकाल और शनिवार की यात्रा। शनिवार का राहुकाल प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, और राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया, ऐसी मेरी सलाह और मर्जी आपकी है। नमोनारायण। बात करते हैं यात्रा की। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि समय और साधन बदल गए, आप किसी भी दिशा में यात्रा करिए, लेकिन शनिवार के दिन आप यात्रा पे जाने पूर्व दिशा में 7 कदम चली, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए राइट टर्न लेते हुए जिस दिशा में भी आपको यात्रा करनी है यात्रा करिए, भगवान शनिदेव का नाम लेकर। और शनिवार के दिन यदि अदरक चबाकर यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट और कम आएंगे। नमना बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, गोचर की बात कर रहा हूं, और गोचर यह संकेत दे रहा है कि मसले सुलझते हुए नजर आएंगे। गुजारे लायक धन की प्राप्ति होगी, पर कार्य सफलता के लिए परिश्रम की आवश्यकता है। आय और व्यय को संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जिस तरह के घर योगा हुए घर परिवार में उलझन और परेशानी से मुक्ति मिलेगी, नौकरी में अनुकूलता आएगी, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, परंतु पारिवारिक जिम्मेदारियों को ढंग से निभाना बहुत जरूरी है। क्या करें? थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत है। क्या ना करें? नए वाहन या प्रॉपर्टी में आज के दिन पूंजी निवेश ना करें। नमूना निर्बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि समय उत्तम, सितारों का शुभ संकेत, भूमि और वाहन लेने का सपना पूरा होता हुआ शाम तक नजर आ रहा है। जो कारोबार की नई रूपरेखा है ना, वो आपके लिए बड़ी लाभप्रद साबित होगी। घर परिवार का सहयोग मन को प्रसन्नता देगा, रुकवे कार्य पूर्ण होंगे और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। क्या करें? कार्य संबंधी गोपनीयता बना के रखें। क्या ना करें? स्वजनों का फायदा ना उठाए। नमोनारायण। और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, चंद्रमा 12वें सिंह राशि से गोचर करा रहा, आज का गोचर संकेत दे रहा है कि दुष्स्वभाव से बचना होगा। मुंह में राम बगल में चूरी, नुकसान दे जाएगा। स्पष्ट रहना बहुत जरूरी होगा, अपनों के साथ धोखा नहीं करें, क्योंकि समय अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। बनते हुए कार्य में रुकावट उत्पन्न होगी, अपने कार्य के प्रति सचेत रहना आवश्यक होगा। व्यर्थ में किसी से भी उलझने का प्रयास ना करें। आज का गोचर धन अपव्यय का संकेत दे रहा है और मानसिक तनाव और शारीरिक कष्ट का संकेत भी दे रहा है। कहेंगे दाती महाराज डरा रहे? नहीं मेरे मित्र, सुझाव दे रहा हूं कि थोड़ा सा बैलेंस रहे, अपनों को साथ लेके चले। स्पष्टवादिता बहुत जरूरी है। परेशानी है तो मैं हूं ना आपके साथ। छोटा सा उपाय, आज अपनी पूजा स्थान में माई के श्री विग्रह के सामने गाय के घी का दीपक जलाए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम कुष्मांडा देव्यै नमः, इस मंत्र की श्रद्धानुसार माला जाप करें। कंजकों को हरी वस्तुओं का दान देना अनुकूल और उचित होगा आपके लिए। क्या करें? थोड़ा सा खर्चों को संतुलन बनाकर चलना आज के दिन बहुत जरूरी है।
क्या ना करे, ऋण आदि का लेन देन ना करे। नमनारायण। करक सिंह कन्या की बात करी, तुला वृश्चिक धनु की बात करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले वास्तु सलाह और आज का सुझाव। वास्तु सलाह में वास्तु का संकेत ये कि मकान मालक यदि उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठता हो और तिजोरी हमेशा बाईं ओर होती है, दुकान वगैरह कहीं भी, तो कह रहे बड़ा उचित माना गया है, देख लेना जरा। और बात करते हैं आज के सुझाव की। आप चाहते कि आज का सारा दिन खुशियों से बीते, तो आज के दिन अपने मस्तिष्क पर काजल का तिलक करी, साथ ही बंदरों को गेहूं और भूरी चींटियों का आटा डाली, बहुत लाभकारी रहेगा। नमन, बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, समय अनुकूल सितारों का शुभ संकेत। गोचर आपके पक्ष में करवट ले रहा है और गोचर ये संकेत रहे कि शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, शुक्र सौभाग्य में वृद्धि होगी, अधिकारी वर्ग का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और उनसे परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, कार्य व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आज नवीन लाभ स्रोतों की प्राप्ति से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। क्या करें, जीवन साथी की बात का महत्व देना आज के दिन बहुत जरूरी है, क्या ना करें, फिजूल खर्ची ना करें। नमन, बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, गोचर अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, काम बनेंगे, समस्याओं से निजात मिलेगी, भाग्य आपके साथ है, सितारे उत्तम सफलता के संकेत, हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे, अर्थ लाभ से सुख और समृद्धि बढ़ेगी, चल और अचल संपत्ति का प्राप्ति का प्रबल योग और यात्रा बड़ी सफल रहेगी। आज माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद, सुख और सहयोग भी बना रहेगा। क्या करें, धन को किसी विशेष योजना में लगाना उचित रहेगा, क्या ना करें, अपने से छोटों के प्रति लापरवाही ना करें। नमन, और बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों, गोचर ये कह रहा है कि काम बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी, अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा, पैतृक परेशानियों से जो संपत्ति उस परेशानी से मुक्ति मिलेगी, बस नौकरी में यदि आप है तो विवाद से बचने का प्रयास करें, अर्थव्यवस्था सामान्य है इसलिए कोई मोटा काम हाथ में नहीं ले, तब पारिवारिक तालमेल को बनाकर रखना बड़ा उचित होगा, और विद्यार्थी यदि शिक्षा पर ध्यान देंगे तो सफलता उनका दामन चूमेगी। क्या करें, धन और समय का सदुपयोग करें, क्या ना करें, किसी लंबा योजना के लिए आज के दिन कोई समझौता नहीं करें, कोई लंबी योजना के लिए आज के दिन समझौता ना करें। तुला वृश्चिक धनु की बात करी, मकर कुंभ मीन की बात करूँ, लेकिन उससे पहले उपाय और अद्भुत देसी नुस्खे उपाय। यदि प्रयासों के बावजूद भी कारोबार में लाभ का रास्ता खुलता नजर नहीं आ रहा हो तो हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में माई के सिर चरणों के सामने गाय के घी का दीपक जलाई, सुदासन में बैठ जाइए, दुर्गा का उसके साथ पाठ करें और 108 गुलाब के पुष्प माँ के सिर चरणों में अर्पित करेगा, धन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। नमन, और बात करते हैं अद्भुत देसी देसी नुस्खों की। बुखार है और सिरदर्द है और सर्दी भी महसूस हो रही है तो इसमें लापरवाही नहीं करें, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाए, टेस्ट कराए और जैसा डॉक्टर दवा देता है उस दवा को उसके बताए अनुसार सेवन करें, कष्ट मिटेंगे। लेकिन छोटा सा नुस्खा भी आप मैं आपको बता, काली मिर्च के चूर्ण में दूध उबालकर और उसमें चुटकी भर हल्दी मिला दीजिए, एक पाव दूध लीजिए, एक चुटकी काली मिर्च लीजिए और एक चुटकी हल्दी, इनको उबालकर व्यक्ति यदि पीता है तो बुखार और सिरदर्द और सर्दी में राहत महसूस होगी, बड़ा अद्भुत नुस्खा है, मानो न मानो आपकी मर्जी। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि गोचर की बात करना चाह रहा हूं, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना होगा, गोचर का संकेत यह भी है कि बिना वजह किसी गरीब को नहीं सताना वरना आज आपको परेशानी आ जाएगी। आज दिल और दिमाग में तनाव का वातावरण बना रहेगा और उसके पीछे कारण आप हैं, क्योंकि आप समायोजन करके नहीं चल रहे, आपकी दैनिक दिनचर्या नियमित नहीं है, इस बात का ध्यान रखना भाई। आज व्यर्थ का व्यवहार बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, किसी नज़दीकी रिश्तेदार से परेशानी बढ़ेगी, कोई बड़ा काम रुक सकता है और धन की आवश्यकता भी महसूस होगी। मकर राशि वालों, सुबह से लेकर शाम तक गोचर ये कह रहा है सावधान, आज के दिन निर्धन गरीब व्यक्ति को अपने हाथ से भोजन कराना और ओम शाम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा उचित रहेगा। क्या करें, वरिष्ठ लोगों की सहमति से कार्य करें, बड़ा अच्छा रहेगा। क्या ना करें, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं हो
तो ऋण का लेन देन ना करें। नमोना है, बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, समय ये कह रहा है कि आज लाभ होगा। अपनों के साथ, मित्रों के साथ, परिवार के साथ आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा और सुख के साधन बढ़ेंगे, धन लाभ होगा, मन अनुकूल सहयोग भी प्राप्त होगा कर्मचारियों का, यात्रा में लाभ मिलेगा, कारोबार के क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, सारा दिन खुशियों में बीतेगा। क्या करें, कोई भी कार्य पारिवारिक रजामंदी से करेंगे तो आपको लाभ अधिक मिलेगा। क्या ना करें, साझेदारी के कार्य में मनमुटाव ना करें। नमूना बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि समय शुभ सितारों का शुभ संकेत, मन अनुकूल कार्य बनेंगे। यदि आप बेरोजगार तो आपको रोजगार मिलेगा, और आप नौकरी में है तो आपका प्रमोशन, आपका मनोनुकूल स्थानांतरण की संभावना, राज धन लाभ होगा। यात्रा बड़ी सुखद और अनुकूल रहेगी। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। इच्छित कार्य करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। नमनारायण, क्या करें, रुके हुए कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें, अनजान लोगों से मित्रता ना करें। नमनारायण, ये था 12 के 12 राशियों का राशि पर जो नक्षत्रों पर आधारित है। पुनः मेरा निवेदन, ये मेरा अनुभव है, लादने का स्वभाव नहीं है। सेकंड ओपिनियन हमेशा आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। छोटा सा ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद देवाधिदेव शनिदेव को कैसे मनाएं, पूजा और मंत्र बनाऊंगा, जीवन मंत्र और दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलोगे। छोटा सा ब्रेक, न मना रहे। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लाख प्रयासों के बावजूद भी बनते बनते काम बिगड़ जाते, अचानक कार्य में बाधा आ जाती। आज शनिवार का दिन है और आज के दिन नित्य कर्म नियोग स्नान उपरांत 5.25 किलो देसी चने ले ले। भगवान शनिदेव का ध्यान करें, जल गंगा जल का छीटा दे दे। शनिदेव जी का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें, श्रीचरणों में सरसों का तेल अर्पित करें, सुदासन बैठ जाए, ओम शम छाया आत्मजाय नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करें। और जाप के उपरांत ये देसी चने निर्धन गरीब मजदूर वर्ग के 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को दान में दे दे, या फिर किसी गौशाला में दान दे दे, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं शनिवार की जीवन मंत्र की। मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे राष्ट्र के नागरिकों, दाती महाराज जीवन के अनुभव की बात करता है। आज जा देखो, हर व्यक्ति शांति की बात कर रहा है और अब कुछ दिन मैं शांति पे बोलना चाहता हूं। जा जाओ, शांति 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 शांति। अरे भाई, शांति तो पहले से ही हमारे अंदर है, शांति तो हमारे अंदर पहले से ही है। हमें अपने भीतर में उस साधना की जरूरत है जिससे हम अपने अंदर की शांति को अनुभव कर सके, उसे महसूस कर सके। ऐसा कोई ज्ञानी मिले, ऐसा कोई सद्गुरु मिले जो हमें कनेक्ट कर दे हमारे अपने भीतर और हम उस शांति का अनुभव कर सके। गुरु महाराज जी की दया से कोई ऐसा सद्गुरु मिला है तो उसकी आज्ञा में रहते हुए ज्ञान की साधना करिए, शांति आपको स्पर्श कर जाएगी। नहीं तो दाती महाराज आपकी सेवा में। नमन है, समय ब्रेक का और ब्रेक के बाद प्रभु के दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। नमन आ रहे। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और ये समय है प्रभु के दर्शनों का और दर्शनों के लिए चलते हैं दाती धाम। नमो नारायण। नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनेश्चरम्।
नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप सभी ने प्रभु दर्शन किए, प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनि भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। गुरु मंत्र में आज इतना ही। कल पुनः गुरु मंत्र में जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन का उपाय, रविवार का राशिफल, भगवान सूर्यदेव कैसे मनाए, पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र, उपाय, देसी नुस्खे और वास्तु सलाह लेकर आऊँगा। लेकिन आज अपनी गलती, अपने गुनाह और अपनी भूल की आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूँ। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।